मेरी बात को शुरू करता हूँ। एक बार की बात है, जैसे आप जानते हो होली और दिवाली पे हमारे घर पे कुछ लोग आते हैं जिनको हम भिखारी तो नहीं कह सकते हैं, वो हमारे परिवार से जुड़े लोग होते हैं। उनको उम्मीद होती है कि भाई मैं ये मेरा फला मेरा व्यक्ति है जो मेरे को स्वयं रखता है, मेरे से ज्यादा बड़ा है, आर्थिक मजबूत है। तो होली दिवाली इस तरह के लोग हमारे घर आते हैं, हम उनको हमारी श्रद्धा से कोई मिठाई देता है, कोई कपड़े देता है, कोई पैसे देता है। ऐसे ही एक व्यक्ति एक सेठ के पास चला गया। देखावटी है तो सेठों का नाम आना बहुत जरूरी है। एक सेठ के यहाँ गया, उस दिन सेठ जी बहुत खुश थे। हमारे शेखावाटी में दो फेमस कहानियां हैं, सेठ का मतलब कंजूस होता है और सेठ का मतलब अकलमंद होता है, ये दोनों कहानियां साफ रहती है उसकी। तो सेठ के पास सब व्यक्ति जाता है दिवाली के दिन। उस दिन पता नहीं सेठ जी का लड़का कहीं कोई किसी IIT या PMT की परीक्षा में बहुत अच्छा रैंक लेके आ गया होगा। सेठ जी बहुत दोस्तों मैंने लोग कहते हैं बहुत गम में और बहुत खुशी में अपने आप पे नियंत्रण रखना इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और उन्हीं को दोस्तों दुनिया और समाज और परिवार सलाम करता है जो गम में अपना आपा ना खोए और खुशी में अपना आपा ना खोए। जो हार में हार जाते हैं उनको मैं विजेता नहीं कहता और जो जीत को जीत जाते हैं उनको मैं विजेता नहीं कहता। दोस्तों तो सेठ जी के यहाँ कोई अच्छा रिजल्ट आया हुआ था, व्यक्ति सेठ जी के पास गया तो सेठ बोले तो कंजूस, सेठ बोले अकलमंद। तो सेठ जी ने उसको उम्मीद थी यार सेठ कंजूस है तो 5 रुपए दे देगा, लेकिन सेठ जी ने उस दिन उस भिखारी को कहे या उस व्यक्ति को 100 रुपए दे दिए। अब भिखारी बहुत खुश हो गया। और सोचो ना यार, आप PMT की तैयारी कर रहे हो, आप IIT की तैयारी कर रहे हो, उम्मीद तो आपको रिजल्ट की हो, रिजल्ट मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और तो रिजल्ट आए तो पता लगा कि आप हिंदुस्तान के टॉप 10 में आ गए, पता लगा आप राजस्थान को टॉप कर गए, तो निश्चित बात है आपका दिमाग काम नहीं करेगा खुशी के मारे। 2 रुपए की उम्मीद के भिखारी को जब दोस्तों 100 का नोट मिला, उसके ऊपर की मंजिल ने काम करना बंद कर दिया। अब तो 100 रुपए मिले तो कुछ आशीर्वाद तो देना पड़ेगा ना। तो भिखारी जोश में अपना होश खो चुका था और बंदा बोला सेठ जी इस बार तो दिवाली आई है, भगवान करे अगली बार आपके दिवाला आ जाए। अब सेठ को पता लगा कि यार ये व्यक्ति मुझे दिवाली का मतलब श्राप होता है। तो सेठ को लगा कि ये व्यक्ति मुझे श्राप नहीं दे रहा है, ये व्यक्ति मुझे आशीर्वाद देना चाहता है, ये व्यक्ति मुझे दुआ देना चाहता है। पर इसके पास शब्दों का कोई बहुत बड़ा संग्रहण नहीं है, इसके पास बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, तो ये दिवाली को दिवाला बना गया। दोस्तों तो सेठ ने पलट के कहा भिखारी से हाथ जोड़ते हुए कि भाई तेरे शब्द तू ले जा और तेरी भावना मुझे दे जा। क्योंकि उस भिखारी की भावना क्या थी कि अगली बार कोई ऐसी चीज आए जो दिवाली से भी बड़ी हो। दोस्तों आपका समूह देख के, आपकी अपार भीड़ और संख्या देख के हो सकता मेरा दिमाग भी कहीं दिवाली को दिवाला बोल जाए। तो दोस्तों मेरे शब्दों को मेरे पास छोड़ जाना और मेरी अगले 1 घंटे की फीलिंग आप यहाँ से लेके जाना। और इसी के साथ मैं दोस्तों मेरी बात को शुरू करना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ जो लोग बैठे हो, गार्जियन आपके साथ आपका भविष्य है, आपकी फैक्ट्री, आपकी नौकरी, आपकी कंपनी आपका फ्यूचर नहीं है, आपका फ्यूचर आपके जनरेशन है, आपका फ्यूचर आपकी औलाद है। मेरे फादर को आप सामने बैठे मंच पे अध्यापक रहे 2nd ग्रेड के, उन्होंने अपनी तपस्या से हम जैसे मिट्टी से आज एक अच्छा सफल सा एक स्टूडेंट पैदा नहीं किया होता तो आज हम दोनों बाप बेटे हमारे गांव में कहीं बैठे रहते, इस शहर में दोस्तों इस राजस्थान के मैप पे हमारी पहचान नहीं होती। इसलिए मैं सबसे पहले ईश्वर का आभार हूँ, धन्यवाद हूँ, उन्होंने एक अच्छे शख्स के घर मुझे जन्म दिया, अच्छे माँ बाप के घर जन्म दिया कि उन्होंने मुझे इस मेरे जैसे एक बिल्कुल एवरेज IQ के लड़के को इस स्टेज तक पहुंचा दिया। ऐसे आपके बच्चे भी हो सकते हैं। गार्जियन एक कहानी से मेरी बात शुरू करता हूँ। एक गाँव में एक कुम्हार था, आपसे जुड़ रहा हूँ, एक गाँव में एक कुम्हार था। जानते हो कुम्हार दोस्तों जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो चिलम बनाता था। लोग जानते जो 30+ उम्र वाले, हो सकता बच्चे चिलम नहीं जाने, तो बच्चे को बोलो सिगार जैसे सिगरेट पीते हैं ना, इंडियन फिल्मों पीते हैं, उसमें एक पाइप होती है, जो पाइप कह सकता हूं मैं, स्मोकिंग पाइप कह सकता हूं आपके लैंग्वेज में। तो चिलम बनाता था, बंदे की चिलम अच्छी बिकती थी, भगवान का यश मिला होता, भगवान का आशीर्वाद मिला होता, अगले के हाथ में क्वालिटी थी, तो जितनी चिलम बनाता था उससे बिक जाती थी और अगले का घर परिवार चल रहा था। चिलम में दोस्तों बच्चों से उसमें तंबाकू भरता, गांव का आदमी ग्रामीण लोग इसका पान करते हैं, उसके ऊपर फिर आग रखता है तो तंबाकू से बदबू आती है, आग से वो गर्म होता है, कुल मिला के वो काम गड़बड़ है जी। तो कुम्हार पिछले 10-15 साल से चिलम बना रहा था। एक दिन वो सुबह उठता 5 बजे, दोस्तों चिलम बनाने के लिए पहले मिट्टी तैयार की जाती है, उस कुम्हार ने सुबह उठ के 5 बजे अपने चिलम बनाने की मिट्टी तैयार की, जैसे आज आप और हम रोज
उठे 5 बजे, वैसे वो भी रोज सुबह की तरह उठा 5 बजे, उसने मिट्टी तार की, मिट्टी तार करके अपनी जगह आके बैठ गया जहां उसका चाक था, जिसपे वो अपने मिट्टी से हाथ की उंगलियों की सहायता से उस मिट्टी को चिलम का आकार देता है। दोस्तों कुम्हार वही जो रोज चिलम बनाता, वही आज वही है, मिट्टी भी वही है जो कल थी। कुम्हार उस चिलम की, उस मिट्टी की चिलम बनाने की प्रक्रिया शुरू करने वाला ही था। इतने में उसकी धर्मपत्नी आती है कि साहब आपने बहुत सी चिलम बना ली, अब आप मेरे कहने से आज से ये चिलम बनाना बंद कर दो। कुमार ने कहा भाग्यवान, चिलम से पेट गुजारा हो रहा है, तेरा मेरा दोनों का पेट पाल रहे हैं, गाय को पेट पे लात मार रहे उनका नहीं, जो भी है। अब यहाँ जो भी लोग बैठे हैं 30, 35, 40 साल है, वो सब जानते हो जो बाहर कितने 30 मारो, घर पे तो बीवी की माननी पड़ती है, वो चाहे कोई स्वीकारे नहीं स्वीकारे, अपने अपने आप आत्मा में झाके देखेंगे आप, और हम सब तो सब पे लागू होती है। कुमार ने सोचा कौन पंगा पाड़े छोड़ यार, बोले क्या करें जी, बोले आप इस मिट्टी की, इस चिलम की बजाय सुराही बना दो। सुराही दुनिया में, हिंदुस्तान में 2 लोग का फ्रिज है। दोस्तों बहुत गहरी बात कह रहा हूं, पानी का मटका इस समय केवल 2 लोग काम लेते हैं, एक तो हिंदुस्तान के गरीब तबके का लोग और एक हिंदुस्तान का पैसे वाला आदमी। पैसे वाला आदमी कभी फ्रिज का पानी नहीं पीता है। समाज के जो अपर क्लास लोग हैं उनके घर फ्रिज मिलता पानी पीते नहीं है, वो कहते हैं गला खराब होता है, ये तो मिडिल क्लास पीता है। या तो गाँव का आदमी मटके का पानी पीता है जिसके पास पैसा नहीं है, या दोस्तों वो मटके का पानी पीता है जिसके पास बहुत पैसा है। जिंदगी की कुछ सत्य है जिनको आप नकार नहीं सकते, तो सुराही गांव का फ्रिज होता है। हाँ दोस्तों, तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि आप इसकी सुराही बना दो, मेरे साथ जुड़ जाओ दोस्तों आप लोग। कुम्हार ने कहा ठीक है। कुम्हार ने जो मिट्टी चिलम बनाने के लिए तैयार हो चुकी थी, जो कुम्हार मिट्टी से चिलम बनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुका था, अपनी बीबी के एक गाइडलाइन से कहो, एक सुझाव से कहो, या एक विचार से कहो, उस कुम्हार ने उसी मिट्टी की एक सुराही बना दी। जैसे ही दोस्तों सुराही बनी, कहानियों में कुछ बातें कहनी पड़ती हैं, वो मिट्टी हंसी, मिट्टी हंसी तो कुम्हार को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने परिणाम किया मिट्टी को, क्योंकि हमें 3 चीजों को हमेशा परिणाम करना चाहिए, उस मां को जिसने पैदा किया है, उस जन्म भूमि को जहां हमारा जन्म हुआ है, उस कर्म भूमि को जिसके कारण हमारा पेट पालन हो। दोस्तों कर्म भूमि, जन्म भूमि और हमारी जो मातृभूमि है, इन सब को हम प्रणाम करते हैं। और दोस्तों मुझे कहते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने वाला शख्स अपनी सबसे पहले अपनी माँ के आशीर्वाद लेके इस पद पे जाता है, तो मेरे हिसाब से चीज में कहीं बुराई नहीं है इसके अंदर। तो डियर वो मिट्टी हंसी, कुमार ने प्रणाम किया, उसने कहा मुझसे क्या गलती होगी माँ। मिट्टी ने कहा मैं तेरी धर्मपत्नी की बहुत बहुत आभारी हूं, मेरी बात का सार ये है दोस्तों। उस मिट्टी ने कहा मैं तेरी धर्मपत्नी की बहुत बहुत आभारी हूं, वो एक अनपढ़ महिला है, फिर भी उसके एक विचार ने, उसके एक गाइडेंस ने मेरी तकदीर बदल दी। मिट्टी ने कहा उस अनपढ़ महिला ने भी मेरी अपनी गाइडेंस से, अपने एक्सपीरियंस से मेरी तकदीर बदल दी। कुमार ने कहा कैसे? उसने कहा यदि तेरी धर्मपत्नी नहीं आती तो तू इस मिट्टी से चिलम बनाता और लोग उसमें तंबाकू भरते, उसमें आग रखते, तंबाकू पीने वाला बदबू मारता, मैं बदबू मारती, उसमें आग रखी होती, उस चिलम को पीने वाला आग से तपता, मैं आग से तपती, और तेरी धर्मपत्नी की छोटी सी गाइडलाइन से, छोटी सी कैरियर काउंसलिंग सेमिनार से मैंने एक सुराही का रूप ले लिया, जिसमें लोग ठंडा पानी भरेंगे, पीने वाले भी ठंडे रहेंगे और मैं भी ठंडी रहूंगी। इसलिए दोस्तों बात का सार एक है कि तुम जो एक अच्छी मिट्टी साथ लेके आए हो, इसकी चिलम भी बन सकती है, और सही हाथों में चली गई तो इसकी सुराही बन सकती है। ये डिसाइड आपको करना है, तुमको चिलम बनानी है या सुराही बनानी है। मिट्टी वही, कुम्हार वही, क्वालिटी की बात यहां से, बात मिट्टी वही थी, कुम्हार वही था, केवल ड्यू टू गाइडेंस, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ गाइडेंस। अब मेरी बात को शुरू करता हूं,
तो आप लोग अक्सर गांव से, मेरे तेरे गांव से निकले, कस्बे सीकर भी कस्बा ही है, गांव में मानता हूं मैं, इसको कोई शहर ना मान ले। दोस्तों एक सबसे बड़ी भ्रांति शुरू होती है। आज आप इस सेमिनार के बाद अपने घर जाएंगे, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे जोश में जाएंगे और वो अपना आज अपना जाके फैसला सुनाएंगे अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में। मैं दावे से कह सकता हूं एक लड़का यहां से उठा अभी फंक्शन के बाद और अपने घर जाएगा, घर में उसके तो यार दोस्त हैं गांव में, अपने घर में उनको जाके कहे सुनो भाई आज मैं सीकर सेल्स जाके आया हूं और वहां मैं मिल के आया हूं सेल्स वालों से और मैंने आज एक नया फैसला किया है, मैं वो मेरा फैसला, मैंने एक नया सपना देखा है, मैं वो सपना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो सपना आपके साथ बांटना चाहता हूं। लोग कहेंगे बोल क्या सपना है, और तू सपना कहे कि यार मैं अगले साल जो भी एग्जाम दूंगा बोर्ड का या क्लास का उसमें 80% नंबर लेके आऊंगा, तो मेरे हिसाब से वो लोग आप पे मजाक नहीं करेंगे, वो लोग आपका उपहास नहीं करेंगे, क्योंकि 70-75-80% लोग आज समाज में नंबर ले आते हैं। आपने उनको कहा कि मैं सीएलसी जाके आया हूं, मोटिवेट होके आया हूं और मैं 80% नंबर लेके आऊंगा, वो आपका कोई विरोध नहीं करेंगे और ये भी नहीं कहेंगे कि तू गलत है। वही लड़का यदि दोस्तों कह दे भैया घर वालों सुनो सब, ए छोटे भाई दादा दादी सब सुनो, आज वाले माहौल में हो, इस बार मैं 10th का एग्जाम दिया है, इस बार तो रिजल्ट जो आना सो आ गया, बाद में राजस्थान बोर्ड को टॉप करूंगा। या बाद में का कोई बच्चा बैठा हो वो कहे कि दादा आज मैं सुन के आया हूं श्रवण सर को और मैं इस साल पीएमटी आईपीओ टॉप करूंगा, तो दादा तो खैर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वहां जो मोहल्ले के लोग होंगे ना वो तेरे जाने बाद कहेंगे तेरे दादा से पिताजी से छोरो बावड़ो गज गयो। बेकी बेकी बात कर रहा है, आप 80% की बात करते हो तो कोई आपको पागल नहीं कहता है, लेकिन आप मेरिट और आईआईटी टॉप करने की बात करते हो तो लोग आपको पागल कहते हैं, क्योंकि दोस्तों 80% की सोच का व्यक्ति समाज के मोड़ पे मिल जाता है, लेकिन टॉप करने वाला व्यक्ति समाज के मोड़ पे नहीं मिलता। अभी एग्जांपल देता हूं आपको, एक अभी सीएलसी के प्रांगण में जब आप आ रहे थे इस सड़क पे सैकड़ों कोचिंग वालों के दलाल और बुकलेट के लोग खड़े थे, लेकिन 17 साल पहले मैंने जब सीएलसी शुरू की थी तो इस शहर का मेरे पिता और मेरी एक दीदी है उनके अलावा कोई मेरे पक्ष में नहीं था, लोग उनका पागल है, सीकर में कोचिंग नहीं चल सकती, ये पागलपन है, ये पागलपन का दौर है। दोस्तों उस दिन मुझे पता लग गया था कि मैं जो करने जा रहा हूं वो तो दोस्तों बड़ी चीज है। आज भी चाहता हूं, मेरी तारीफ नहीं करना चाहता, ये कहना चाहता हूं कि मेरे जैसा एक सेकंड ग्रेड थापक के टीच का लड़का, एक बिल्कुल गांव से निकला हुआ जिसके बचपन में हम लोग कुएं से पानी निकाल के पिया है, वो आदमी दोस्तों जब आज कोटा के इतने बड़े अंपायर के सामने, सीएलसी सीकर का मतलब सीएलसी है, सीकर की पहचान सीएलसी से, इस बात को प्राउड से कह सकता हूं, इस बात को मुझे कहने में कहीं कहीं इको नहीं मानता मेरा, ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरी टीम और मेरे साथ काम करने लोगों के बलबूते में कह सकता हूं। दोस्तों आज तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप अपनी सोच बड़ी रखें, क्योंकि बहुत सिंपल सी कहानी है। दोस्तों आप 47%, 50%, 60% के बच्चे हो और आप यदि आईआईटी या पीएमटी की बात करोगे तो शायद आपको जन्म देने वाले माँ बाप भी मना कर देंगे कई बार, तो कि नहीं यार तेरे बहुत कम परसेंटेज है, और जैसे कोई 90% आ गए, 95% आ गए तो बुआ मौसी ताई नाना सब कहते हैं तैयारी कराओ। तो आंकड़े पेश करता हूं दोस्तों, मैं साइंस का व्यक्ति हूं, फिजिक्स का मास्टर हूं, आंकड़ों बात करता हूं। यदि आप आंकड़ों का विरोध करते हो तो आप या तो भोले हो या जानबूझ के बेवकूफ बनना चाहते हो, आप आंकड़ों को नकार नहीं सकते। सूर्य पूर्व में निकलता है तो निकलता, वो आपके मेरे कहने से दोस्तों चेंज नहीं हो सकता, उसको स्वीकारना पड़ेगा, उसका एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसा होता है। दावे से कह सकता हूं आप जिस कस्बे से आए हो, जिस शहर से आए हो, उस शहर में पिछले 5 साल में जितना भी 12वीं साइंस के बच्चा जिसका स्कोर 90% से ऊपर 12वीं साइंस में रहा है, उनकी लिस्ट बना लो,
दावे से, विश्वास से, अनुभव से कह रहा हूं, उन सब का IIT या PMT में सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसलिए 90% आना कोई प्रमाण पत्र नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 90 के अलावा भी दोस्तों सिलेक्ट हो सकते हैं। और CLC ने तो लास्ट चेक करके दिखाया है। झुंझुनू जिले का एक लड़का है आमिर खान नाम का, दोस्तों 12वीं क्लास में केवल 55% का आमिर खान OBC कैटेगरी में केवल 2 ड्रॉप करके, ये भी नहीं कोई PMT, उसने 7-8 ड्रॉप किए हैं, केवल 2 ड्रॉप करके वो राजस्थान के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज SMS में अपने स्टडी कर रहा है। मेरी इस बात का दोस्तों अर्थ पूरा निकालना रहे, लोग अधूरी बातों में जीते हैं दोस्तों, और मुझे उन बातों को पसंद नहीं करता। मैं अक्सर लोग कहते हैं गर्जने वाले बस पे नहीं है, और ये कह कहा के और आदमी को डिमोरलाइज कर देते हैं। हम इसको पूरा करते हैं दोस्तों, गर्जने वाले बस पे नहीं है, ये नकारा सोच के लोगों की बात है। हम कहते हैं गर्जने वाले बस पे नहीं है, लेकिन दोस्तों गर्जने वाले बरस जाते हैं ना तो फिर सुनामी आ जाती है। इसलिए बातों को दोस्तों पूरा करना सीखो, अधूरा नहीं। अभी कुछ लोग कहेंगे कि साहब क्या है, बात करने से क्या होता है, आप और हम बात तो कर रहे हैं, क्या होता बात करने से, जिंदगी की बातों से क्या होता है। नहीं मेरे यारो, इसको पूरा करता हूं मैं। माना कि बात करने से कुछ नहीं होता, लेकिन बिना बात के भी कुछ नहीं होता। आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन जाते हो, सबसे पहले क्या करते हो, वहां के डायरेक्टर से बात करते हो, उसके बाद एडमिशन। तो छोड़ो इनको, कुछ हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनसे करता हूं बात। जिंदगी में सबसे अहम काम शादी होता है, और शादी जब आदमी की होती है तो लड़का और लड़की के पिता सबसे पहले क्या करते हैं, बात ही करते हैं। तो ऐसा रिश्ता हुआ है क्या आज तक कहीं कि लड़के और लड़की के फादर, नाना, ताऊ कोई ना तो कोई बात करेगा। दोस्तों कहने का मतलब है कि माना की बात करने से कुछ नहीं होता, लेकिन बिना बात के भी कुछ नहीं होता। इसलिए अधूरे बातें मत करो दोस्तों, बातों को कंप्लीट करो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 50% के यहां जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, यदि तुम दोस्तों आपके मोहल्ले का, आपके गांव का कोई 56% 60% का लड़का यदि IIT या PMT की तैयारी करता है, IIT में खैर मजबूरी है, सरकार ने कुछ नंबरों की बाउंडेशन कर रखी है, यदि वो लड़का तैयारी करता मेडिकल की, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज आप उसे उत्साहित नहीं कर सकते तो प्लीज आप उसे डिमोरलाइज मत करना। और आप एक मैसेज लेके जाओ कि हम आज सुन के आए हैं, देख के आए हैं CLC के प्रोस्पेक्ट में, CLC की वेबसाइट पे, CLC के हर प्रिंटिंग मेटेरियल के अंदर आमिर खान का एक पूरा पेज लगा हुआ है, जिसने 55% के लड़के दोस्तों राजस्थान की PMT में 56वां रैंक लिया है। इसके दोस्तों मैं चाहता हूं इस खुशबू को समाज में आप दूर तक फैलाएं। और यह भी सच है, ये काम केवल CLC संस्था कर सकती है, जिसकी टीम अपने बच्चों को दोस्तों ग्राहक नहीं मानती है। CLC सड़क पे खड़े होके दलालों के थ्रू के लिए बच्चों को नहीं फंसाती है। CLC कमीशन बेस्ड एडमिशन से लेती है। CLC बच्चों के साथ फ्रॉड नहीं करती है। CLC क्या करती है दोस्तों, रात को 11 बजे भी आप आके देख सकते हैं। मेरी टीम मेरे बच्चों के साथ जहां आप लोग बैठे हो, हमारा कैंप चलता रात को 8 बजे, मेरा बच्चा आके बैठता है, जिनमें पढ़ाई होती होती है वो तो होनी है, हम कैंप बोलते हैं उसको, रात को 8 बजे यहाँ सैकड़ों बच्चा बैठ जाता है। पीछे मेरे स्कूल की बिल्डिंग, वहां बच्चा बैठ जाता है। हमारी 4 से 5 बिल्डिंग है जहां क्लास चलती है, वहां मेरी CLC के C बिल्डिंग है जहां मेरी बेटियां बैठती हैं। रात को 8 बजे से लेकर दोस्तों 7 पूरी टीम फैकल्टी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ वो लोग दोस्तों उनके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। उसी की देन है कि लास्ट ईयर नीट का एग्जाम जो हुआ था मेडिकल में, राजस्थान में जो OBC कैटेगरी है उसका टॉप मेरे बच्चे ने किया, दुल विश्नोई ने किया, तीसरा रैंक मेरे विकास मेला का रहा, छठा रैंक मेरे अत्ता मोहम्मद का रहा। दोस्तों किसी एक संस्था से, किसी एक OBC या जनरल कैटेगरी में टॉप 10 में 3 बच्चा देना ये बाई चांस नहीं हो सकता। दूसरा एक बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक बात और कहना चाहूंगा, CLC अच्छा पढ़ाती है, एक चीप सो मेरा बोल रहा हूं मैं, एक CLC एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है
जो अपने विज्ञापन से लिखता है एक फर्जी बताओ 5 लाख का हो, यदि किसी बंदे ने सस्ता कराने वाले नहीं, ईमानदारी है और मैं कहता हूँ पिया माँ का दूध, तो अपने विज्ञापन मेरे साथ लिख के दिखा दे कि मैं एक बच्चा फर्जी बताओ और 5 लाख पाओ, ऐसा दोस्तों कोई नहीं लिखता है। तो फिर दोस्तों यदि आप अधिक भ्रमित होते हैं तो मुझे केवल आप पे दया आती है दोस्तों, आंकड़ों का भ्रमजाल फैलाना मुझे नहीं आता। आप तो कागज का निकालो किसी से, मैं इधर की फोटो इकट्ठी करके उधर की फोटो इकट्ठी करके मैं दोस्तों फसल नहीं करता। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे वाहेगुरु का आदेश यही है कि जब तक सत्य के रास्ते पर चलेगा मैं तेरे साथ हूँ, और जिस सत्य छोड़ देगा मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा। मैं जिंदगी में सब कुछ छोड़ सकता हूँ दोस्तों, उनका साथ नहीं छोड़ सकता। वो महाभारत का किस्सा याद है जब अर्जुन कृष्ण भगवान बैठ गए थे और पूछा दुर्योधन से और मैं चाहे सेना चाहिए, दुर्योधन ने कहा मुझे आप अकेले क्या करो तेरा, मैं मुझे पूरी सेना दे दे। और दोस्तों रिजल्ट आपके सामने आया था, जिसके साथ सच्चाई होती है वो चाहे अकेले कृष्ण भगवान के रूप में क्यों ना हो, जीत दोस्तों उसी की होती है। हम अक्सर कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। अब बात आती है दोस्तों रिजल्ट कैसे निकले, इसमें किस किस का रोल है। इससे 5-6 मिनट की एक मेरी स्क्रिप्ट है पूरी है, जिसके साथ आपसे बात करना चाहूंगा मैं। रिजल्ट दोस्तों चाहे बोर्ड का हो, चाहे रिजल्ट आईटी का हो, चाहे रिजल्ट पीएमटी का हो, मैं तो आपको कहता हूं सफलता कैसे मिलती है। या 10वीं क्लास के बहुत से बच्चे होंगे जो कॉमर्स भी लेंगे, आर्ट्स भी लेंगे, साइंस भी लेंगे, तो मैं केवल पीएमटी और आईटी की बात नहीं करके मैं सक्सेस का मंत्र देता हूं आपको। बच्चों प्लीज अब आप मेरे साथ बोले दोस्तों, एक आदमी है एक किसान मान लो, उसको सेव पैदा करनी है, साथ हो मेरे, उसको सेव पैदा करनी है। सेव का तो सबसे पहले क्या करेगा, वो सेव का बीज मार्केट से लेके आएगा, आया ना। यदि कोई आदमी सेव की खेती करना चाहता है तो सबसे पहले बाजार में क्या खरीदेगा, जाके सेव का उच्च क्वालिटी का बीज खरीदेगा, ठीक है साहब। विश्व में आप तो ये कहेंगे विश्व में क्यों भारत सर्वश्रेष्ठ है, क्यों आप जो भारत सर्वश्रेष्ठ है वो विश्व सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। तो जो भारत में सर्वश्रेष्ठ सेव का बीज है वो खरीद के लाएगा। जरा मुझे जवाब देना, क्या बीज खरीदते ही उसके घर में सेव पैदा हो गई, वो बीज लाया और ला के रख दिया तिजोरी में अपनी को, क्योंकि उसे सेव लग जाएगा ना। बीज खरीदना सेव पैदा करने का एक हिस्सा है, उस प्रोसेस का। उसके 10 बच्चे आज सफल है, कोई आईटी में गया, कोई मेडिकल में गया, उनमें से एक कलेक्टर बन गया है और दोनों यार इंटरव्यू आईएएस का लगे हैं प्रोसेस में। मैंने कहा यार ऐसा हो तो नहीं सकता, बदमाशी के लिए फिर मिलता हूं मैं उनको, बुलाया सबको मैंने सुबह। मैंने कहा तुम्हारी दोस्तों बड़ा प्यारा सीन है बच्चों, आप सुना तो लाइन से खड़े हो गए, चुनु मुनु छोटे छोटे थे, इतना सा विशाल गुप्ता। उसको मैंने कहा तेरी शिकायत आई है तो परेशान करता बोले वालों को, तो उसने बेटे नीचे गर्दन कर कहा कि इस उम्र में बदमाशी नहीं करेंगे तो क्या आपकी उम्र में करेंगे। तेरे वरेगा यार ने। तो फिर मैं पूछा तुम करते क्या हो रहे हैं, बोले बहुत कुछ नहीं करते हैं, आज से पढ़ने बैठते हैं, रात को पढ़ते हैं 1:30 बजे तक, 1:30 बजे नींद आती है तो छत पे जाके क्रिकेट खेलते आधे घंटा, और 2 बजे क्रिकेट खेलते हैं और फिर सुबह पढ़ते हैं 8 बजे तक। अरे कहा भाई तुम तो क्रिकेट खेलता हो सोने मोले वालों को, वो दोस्तों आज कलेक्टर है। तो कहने का मतलब बच्चे की शरारत गार्जियंस और यहां बैठे टीचर्स, वो गार्जियन फेल है, वो टीचर फेल है जो बच्चे के आवारापन और चंचलता में फर्क नहीं कर सकता। वो पिता फेल हो जाएगा, वो टीचर फेल हो जाएगा जो अपने बच्चों के आवारापन में और चंचलता में। दोस्तों आवारापन और चंचलता तो बहुत अलग चीज है, बहुत बड़ा फर्क है इनमें। गार्जियंस बच्चों आप ही सुन लो बेटा, आवारा नहीं बनना हमें, हमें चंचल बनना है। वापस पॉइंट पे आता हूं तो दोस्तों खाद पानी दिया, चारों तरफ जोरदार बाड़ कर दी खेत के, एक मजबूत चौकीदार बैठा दिया। अब आपको अब क्या दिक्कत है, अब तो सेव पैदा हो ही गई ना। अभी भी दोस्तों सेव आपके घर नहीं आई है, अक्सर अखबारों पढ़ते हैं। एक सम्राज भी याद है, उसके बाद ही मैंने कहानी बनाई थी। मैंने फर्स्ट डे सीकर के अखबार जो भी लोकल अखबार है, फ्रंट पेज के फोटो था एक सेकावाटी के किसान माला माल और लहलाती हुई सरसों की खेती की फोटो थी। हमारे सरसों बहुत होते सेकावाटी में, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता दोस्तों।
और बिल्कुल उसी अखबार में फोटो था ससुर के खेत, वो पील बिल्कुल मास्टर सूजी का रंग, वो पीला रंग किसे का वादी किसान माला माल। और दो दिन बाद उसी अखबार में, उन्हीं अखबारों में, उसी जगह एक हेडिंग आया, सेकावाटी के किसान कर्जदार बर्बाद। क्यों? क्योंकि पहली रात ओले गिरे थे, अंधड़ आया था और पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई थी। इसलिए मेरे दोस्तों, खुदा का साथ होना बहुत जरूरी है। जब तक इंसान ईश्वर हमारे साथ नहीं है, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। अब इस कहानी को जोड़ता हूं आपके साथ, अच्छा बीज आपका अच्छा बच्चा, अच्छा खाद पानी, गार्जियंस आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को जरूरतमंद पैसा दे सको। तीसरा अच्छी जमीन, दूसरा अच्छी जमीन, अच्छी सहजता का चुनाव। यदि आपने अच्छे बीज को किसी बंजर जमीन बो दिया तो फलेगा नहीं, अच्छे बीज को अच्छी सहजता में डालना होगा, सहजता के साथ खाद पानी। दोस्तों, कुछ पैसा आपको अक्षता उनको देना होगा। और मंच पे कहता हूं, मैं तो सीएलसी की आदत में है, सीएलसी के संस्कारों में है, कहीं कोई झोपड़ी का लाल आपको मिल जाए और प्रतिभाशाली बच्चा हो तो सीएलसी उसको पूरा कोऑपरेट करती है। मुझे मंच पे नहीं कहना चाहिए दोस्तों, फिर भी कहना पड़ेगा एक लाइन, सीएलसी तो आज 15 से 20 ऐसे बच्चे हैं जो यहां से सेलेक्ट होने के बाद आईआईटी और मेडिकल पढ़ रहे हैं, उनकी फीस भी हमारी संस्था दे रही है। ऐसे लोगों के दरवाजे हमेशा हमारे लिए खुले हैं और दोस्तों हमेशा खुले रहेंगे। तीसरा फिर दोस्तों, अच्छा चौकीदार। मैं दावे से कह सकता हूं, इस समय, कल दोस्तों क्या मुझे नहीं पता, इस समय राजस्थान के आईआईटी और मेडिकल फील्ड में सुरक्षा की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें और मॉनिटरिंग की बात करें, फक से कह सकता हूं दोस्तों, सीएलसी का कोई सानी नहीं है, कोई सीएलसी के आसपास नहीं है। एक बात चलती है डिसिप्लिन की, तो कुछ तथाकथित हमारे दोस्त, कुछ तथाकथित गार्जियंस एक बात कहते हैं, आज के जमाने में क्या बढ़ता है डिसिप्लिन का, आज के जमाने में क्या बढ़ता करैक्टर का, आपके जमाने में क्या बढ़ता विचारों का। तो मैं आपको केवल एक बात कहकर मेरी बात को आगे बढ़ाऊं, यदि करैक्टर की वैल्यू नहीं होती, अनुशासन की वैल्यू नहीं होती, तो पिछले दिनों हमारे इस देश में कुछ बड़े लोगों के साथ अजीब अजीब से बदनामी से जुड़े, तो क्या आपका, आपके दिमाग में उनके प्रति इमेज घटी नहीं क्या, क्या आप उनको घर बैठ के गाली निकालते हो क्या? तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि करैक्टर की और अनुशासन की इज्जत नहीं होती है? क्या उन लोगों के दिमाग में आज भी आपके प्रति वो इज्जत है जो कुछ सालों पहले थी, जब उनके अपने कारनामे लोगों के सामने नहीं आए थे? और दोस्तों दूसरी बात समझाऊं, बच्चों आप सुनना, लोग कहते हैं कि अनुशासन का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है। एक बात कहता हूं, बच्चों जवाब मांगता हूं बच्चे के साथ उन्हें, बेटा जी आपके पास दो शर्ट है, एक शर्ट है 2000 रुपए का, एक शर्ट है 500 रुपए का, आपको अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। जवाब दे साहब, एक शर्ट कितने का? 2000 का। एक शर्ट कितने का? 500 का। अब आपको अपने दोस्त के बर्थडे में जाना हीरो बन के, शर्ट कौन सा करोगे? 500 वाला? 500 वाला कितने लोग करेंगे? 500 वाला या 2000 वाला? कि तुम 2000 वाले को भी छोड़ के 500 को पहनना पसंद करोगे? कैसे? 2000 वाला धुलावा नहीं है, सलवटें पड़ी हुई हैं, प्रेस किया हुआ नहीं है, और 500 वाला धुलावा है और प्रेस किया हुआ है। अपने जमीर से पूछ लो, अबे तब कौन सा पहनोगे जो प्रेस किया हुआ है? तो प्रेस ने क्या किया, क्या कपड़े की वैल्यू बढ़ा दी, क्या कपड़े को पॉप को रेमंड कर दिया, क्या कपड़े की क्वालिटी बढ़ा दी? ना, प्रेस ने केवल उस कपड़े को सिस्टमेटिक कर दिया। मेरे सामने बैठे मेरे प्रवीण राठौड़ के फादर, ऐसे गार्जियंस को मैं नमन करता हूं जिनके बच्चे की मेरे यहां से आईआईटी में 600 रैंक का क्या लड़का आईआईटी में अपना फ्यूचर बना रहा है। तो दोस्तों वो अनुशासित बच्चे थे मेरे से, इसलिए जिंदगी में क्वालिटी एक मुद्दा है, क्वालिटी अनुशासन सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत से लोग कहते हैं कि केवल, यहां मेरी बात पूरी सुनना प्लीज, मैं क्वालिटी को सम्मान करता हूं पर क्वालिटी अनुशासन में होनी चाहिए। एक नाम लेके बात कहता हूं, मेरे साइड में हॉस्टल बना हुआ है,
कलाम साहब के नाम पे मेरा कलाम हॉस्टल है। दोस्तों कई बार राम के नाम के साथ रावण का नाम लेना पड़ता है, कृष्ण के साथ कंस का नाम लेना पड़ता है, ये मजबूरियां होती हैं। जिनके साथ रात का नाम लेना होता है, सच के साथ झूठ का नाम लेना होता है, तो एक नाम ऐसा ले रहा हूं जो शिक्षा के मंदिर में लेना चाहिए मेरे को। यदि केवल केवल क्वालिटी की इज्जत होती तो कितने लोग हैं जो लादन की पूजा करते हैं। लादेन को आप डफर कैसे कर सकते हो? अमेरिका का जहाज, अमेरिका का देश उठा के ठोकाया, कितने लोग लादेन के जिनके फोटो लगा हुआ है। दूसरी तरफ हमारे अब्दुल कलाम साहब, शायद हिंदुस्तान का ऐसा कोई ऑफिस नहीं होता है, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोई ड्राइंग रूम नहीं होता है, हिंदुस्तान का ऐसा कोई एक कहते ना कि कहीं कोई इवेंट नहीं होता है जहां अब्दुल कलाम के सामने हम लोग मन से इज्जत से नतमस्तक होते हैं। क्योंकि दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब इंटेलिजेंट होने के साथ साथ इंसान भी थे, इंसान भी हैं, वो इंसानियत के लिए जिए। दूसरा व्यक्ति का नाम रिपीट नहीं करूंगा, वो इंटेलिजेंट था लेकिन राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए आज वक्त के साथ दुनिया उनको हमेशा नकारती है। तो इसलिए अब तक जो सुरक्षित हाथों में, अनुशासित हाथों में तब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक दोस्तों आमिर खान की तरह एक 55% का लड़का आईआईटी या मेडिकल में नहीं है। दोस्तों उसके बाद सबसे बड़ी हमारे रिजल्ट में झूठ फ्रॉड नहीं है। हम तो कहते हैं मंच पे हमारा लास्ट ईयर 130 बच्चा मेडिकल में गया है, बिल्कुल साहब 130 गया है। 130 के 130 बच्चों की लिस्ट आप लोग बेटा जी बच्चे जो एग्जाम देने आए थे तो आपको 3 अखबार दिए थे हम लोगों ने, वो अखबार यहाँ पढ़े तो आप मेरे पास ले लो जी। एक अखबार में 4 पेज थे अखबार के, एक में रिजल्ट था मेडिकल का, एक में रिजल्ट था हमारा आईआईटी का, तीनों अखबार मेरे पास नहीं आए, और एक में दोस्तों रिजल्ट था 12th बोर्ड का। तीनों अखबार आपको मेरे दिए हुए हैं, उनको आज दोबारा बांटने का मैं कोई मीनिंग नहीं समझ रहा, इसलिए उनको नहीं बांटा मैंने। गार्जियंस उन दोनों अखबारों के ऊपर ये लिखा हुआ है, एक फर्जी बताए, फर्जी का मतलब उसमें कोई लड़का मेरे पत्राचार का नहीं है। कोई दो रास्ते हैं, एक रास्ता यह है कि उसको स्कूल के थ्रू जाल निर्माण में कराएं, एक रास्ता यह है कि फाउंडेशन के साथ आप उसको कराएं। आर्मी के वक्ता कोचिंग का अपना प्रश्न होता होता है। गार्जियंस आप लोगों से मैं एक बहुत खुले शब्द अपील करना चाहूंगा कि आप सीएलसी परिवार के साथ किस तरह जुड़ सकते हैं। सीएलसी सीकर हमारा हेड ऑफिस है, अलवर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ब्रांचेज हैं। सीकर में हम लोग 3 स्कूल रन कर रहे हैं, एक स्कूल पीछे कृष्णा विद्या मंदिर, दूसरा स्कूल हमारा केवीएम, 2 स्कूल है। कृष्णा विद्या मंदिर हमारा स्कूल है हिंदी मीडियम का जो चलता 6th क्लास से, केवीएम दूसरा स्कूल हमारा इंग्लिश मीडियम का जो चलता 6th क्लास से। पीछे आप अभी जाओगे देखो बहुत भव्य बिल्डिंग हमारी संस्था की बन रही है, जो शायद राजस्थान के बहुत बड़े कैंपस में से एक कैंपस हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसमें करीब 18,000 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी का हम एक कैंपस तैयार कर रहे हैं, तो आने वाले 3 महीने में तैयार हो जाएगा, जिसके 2 फ्लोर हमारे लगभग तैयार होने वाले हैं। गार्जियंस टीएलसी परिवार के साथ आप 6th क्लास से अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल अब मैं मेरी बात निश्चित बात से आपसे कहूंगा, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, 6th से लेकर 11वीं 12वीं आईआईटी मेडिकल जो हमारा मूल काम है ही है। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो फाउंडेशन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वो केवल स्कूल पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा जो कृष्णा विद्या मंदिर स्कूल है, जो मेरा केवीएम स्कूल है, वहाँ आप केवल स्कूल में भी अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सेपरेट नॉन फंड चलता है, एक सारे सिस्टम दोस्तों अलग अलग है। आखिरी बात पे आऊं, बच्चा आपका है, रिजल्ट आपको देख के एडमिशन आपको करवाने हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि आप कभी एक गांव में किस्सा सुना था, ठगों के धक्के मत चढ़ जाना। एक बात के बाद खत्म करूंगा फिर हम पुरस्कार वितरण करेंगे। तो पिता पुत्र एक बैल खरीद के लाए, गांव में पहले बैल होते थे, वो बैल खरीद के चले तो उसी गांव के 4 ठग थे, उनको पता लगा कि ये बैल खरीद के ले गए और हमें इस बैल को ठगना है। एक होता चोर, एक होता ठग, फर्क है दोनों में। चोर तो रात को चोरी करता है, ठग सामने सामने ठग लेता है, आंख मिला के ठग लेता है, ठग वो होता है तो लाइव ठगता है।
तो चार ठगों को पता लगा कि ये गांव के भोले बड़े आदमी आप और मेरे जैसे बैल खरीद के लेके आए हैं और हमें बैल ठगना है इनसे। दोस्तों वो व्यक्ति एक गांव चले, उन चारों ठग एक ही गांव में खड़े हो गए। जैसे पहले गांव को पार किया, एक ठग ने कहा, वाह यार बकरी बहुत जोरदार खरीद के लाए हो। उन्होंने कहा, भाई साहब बकरी नहीं बैल है। तो ठीक है साहब, तुम कहो तो बैल है तो बकरी। तो दोस्तों जो पिता पुत्र बेचारे बैल खरीद के लाए थे, एक नुक्कड़ में खड़े आदमी ने उसको बकरी बना दिया, तो सोचने को मजबूर हो गया कि यार बकरी तो नहीं है। चलो साहब अगले गांव आए, ठग दूसरा मिल गया, और यार बकरी बहुत जोरदार भाई, बकरी हमें तो यार हद करते हो बैल है यार ये। तो ठीक है भाई, तू बैल कहता बैल मान ले, अब तो बावड़ा मैं क्या करूं, है तो बकरी। और फिर दुखी हो गया, फिर तीसरा गांव आया, तीसरा गांव आया, तो फिर ठग मिला तीसरा, वो तो उनके पांव पड़ गया। जैसे तीसरा पांव पड़ गया, भाई साहब लीजिए बकरी मुझे बेच दो, जितने रुपए में लाए हो 2000 फालतू ले लो। अब वो पिता पुत्र दुखी हो गए, यार क्या खरीद लिया, क्या कुछ पाल ली। चौथे गांव में गए, वो पिता पुत्र परेशान, चौथा ठग मिला और 10,000 रुपए यूं निकाल के, क्यों जुड़स बैल था 15,000 रुपए का, तो 10,000 निकाल के लो यार ये बकरी के 10,000 लो बकरी दे दो। वो पिता पुत्र इतने तक भ्रमित हो गए, क्यों दुखी हो गए, उन्होंने अपने उस बैल को छोड़ दिया और रोते पीटते माथा पकड़ के अपने घर चले गए। इसने छोड़ दिया, ये घर जाएंगे तो घरवाली कहेगी ये बकरी क्यों लाए, घरवाली से डरते हुए इज्जत बचाने के चक्कर में अपना बैल छोड़ गए। दोस्तों हम केवल उस कुम्हार की बीवी की तरह, जहां से बात शुरू की मैं आ जाता हूं, उस कुम्हार की बीवी की तरह राय देना है कि इस मिट्टी की चिलम नहीं, इस मिट्टी की सुराही बनाएंगे। दोस्तों इसी के साथ मेरी बात खत्म करता हूं।